सबसे पहले मैं गौरव को थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि उन्होंने आज मुझे आप सबके सामने उनके बारे में दो शब्द बोलने का मौका दिया, उस लाइक बनाया, थैंक्स टू गॉड। वैसे मैं बहुत पहले से ही जीसस को मैंने बहुत पहले से नहीं जाना है, पर उन्होंने मुझे शायद पहले से ही चुन लिया था उनकी बेटी में। मैं पहले से जब चर्च वगैरह जाती थी मैं एकदम कट्टर हिंदू थी और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं जीसस को फॉलो करूंगी। इतना मुझे पहले से पता था कि गॉड इज ग्रेट, उनके पास बहुत पावर है और सबसे पावरफुल वो है। बट एक होता है ना इंसान के अंदर वो माया, मुझे अपने धर्म से कल्चर से बहुत प्यार था, जो होता है ना हमारे साथ, हम ये वो ऐसे फेस्टिवल्स बनाना, ऐसे करना, ये पहनना, वो पहनना, उन सब चीज़ों से शायद मैं बाहर नहीं निकलना चाहती थी। पर मैं डॉक्टर पहले से ही मानती थी, प्रेयर्स में जाती थी, सब कुछ करती थी। बट अभी पिछले 6 से 7 महीने से मैंने खुद से प्रेयर करना सीखा है, मुझे बहुत कुछ नहीं आ रहा, मैं बहुत कुछ नहीं जानती क्या है कैसा है, मैं बायोलॉजी नहीं जानती। जितना मैंने गॉड को खुद से महसूस किया है, फील किया है उनका प्यार, उनका कनेक्शन मेरे लिए और सब बच्चों के लिए, वही चीज मैं जानती हूँ और कुछ नहीं पता। मैंने भी मतलब मेरे अंदर इतना नॉलेज नहीं है इन सब चीज़ों के लिए, शायद आप लोग बहुत आगे मेरे मेरे सामने, मैं आपके सामने छोटी बच्ची हूँ तो बस मैंने मेडिकल देखे, जितनी बार भी मैंने प्रेयर किया है गॉड को याद करके मैंने फील किया है वो मेरे सामने बैठे हुए हैं और उनको मुझे देख रहे हैं, वो मेरे सारी प्रॉब्लम सुन रहे हैं। मेरे मम्मी डैडी की तरह, एक्चुअली मेरी मम्मी नहीं है, वो दूसरा चले चली गई। तो मैं हमेशा ये सोचती थी मेरी मम्मी की जाने के बाद, क्योंकि वो ही मेरी दुनिया थी, मैं ये सोचती थी कि मेरी माँ के लिए एक होता ना बिना आत्मा के शरीर हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्यों लाइफ में क्या करना चाहती हूँ, मेरा क्या एम है और मुझे क्या करना चाहिए। बस मैं काम कर रही थी कि मुझे काम करना था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना है। फिर बाद में जब मैंने प्रेयर करना शुरू किया, सबसे पहली बात यह है शायद मुझे अपने पास लेके आना चाहते थे, इसीलिए मैं इंडस्ट्री में आई, मतलब मैंने उनकी एक्साइटिंग साथ थी। पर अभी पिछले 1 से 1.5 साल पहले से मेरे पास जो भी इंसान आया सब क्रिश्चियन ही आने लगे, मतलब जो भी मेरे क्लोज फ्रेंड हो, जो भी मेरे रिलेशन हो, सब मेरे अंदर जब मैं बात करती थी सब होते थे बिलीवर है, ठीक है। तो मुझे लगा कि गॉड का इशारा है और किसी ने मुझे फोर्स नहीं किया कि तुम जीसस को मानो, सब मेरे लिए प्रेयर करते थे उनकी अच्छाइयाँ, जीसस के बारे में मैंने जाना वो बोलते थे, तो मुझे खुद से लगा कि मुझे क्यों नहीं करना चाहिए, जब मतलब जब बॉडी इतने अच्छे हैं तो क्यों मैं ये भ्रम में हूँ कि और देवी देवता है, ये सब चीजें मुझे से अलावा। तो मुझे खुद से फील हुआ, मैंने मुझे किसी ने फोर्स नहीं किया कि फिर वो ये है वो है ऐसा है, तो सब लोग आते थे और हमेशा हर मेरे दुख के टाइम पे मेरे परेशानियों में वही काम आते थे जो गॉड के बच्चे थे। तो मुझे लगा कि मैं उनका कनेक्शन है, वही चाहते हैं कि मैं उनके पास आऊँ और उनके उनकी स्पेशल एक चाइल्ड उनके रहूँ, तो मुझे लगता है कि गॉड की स्पेशल चाइल्ड है क्योंकि उसके बाद मुझे लगा मेरी मम्मी भी नहीं थी तो मुझे लगा कि अब मुझे वो कभी महसूस नहीं होती, मुझे गॉड ने वो कभी फुलफिल कर दिया, मुझे अभी लगता है कि मेरे पास गॉड है, मैं कभी गलती नहीं हूँ, मुझे कभी प्रॉब्लम्स भी होती है तो मैं सोचती हूँ कि गॉड है वो करते हैं, जो भी है जो भी बुराइयां हैं जो भी मेरे जो भी बोलते हैं ना नेगेटिव स्टेट्स होती है, नेगेटिव एनर्जी जो होती है, मैं सोचती हूँ कि गॉड चुटकी में मेरे से दूर कर देंगे, क्योंकि मुझे पता है मेरे साथ में प्रॉब्लम्स हर किसी को आ रहे हैं, हिंदूज को भी आती है, क्रिश्चियन को भी आती है, क्योंकि इंसान है, हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम्स होते हैं, हर कोई बीमार होता है, हर कोई मरता है। पर मुझे जहां तक लगता है जो बिलीवर्स हैं, जो जितने परेशानियों से जितने स्ट्रगल करके लोग प्रॉब्लम से निकलते हैं, शायद हम लोग थोड़ा जल्द निकल जाते हैं और हम फियर फ्री होकर निकलते हैं, हम उस जो और जिस तरीके से एकदम डिप्रेशन में रह के जीते हैं ना, हम वैसे ही जीते, क्योंकि प्रॉब्लम्स हर किसी लाइफ में आती है,
होते हैं ना पीछ पूरी निकलती हूँ चीजों से और गॉड अगर आप हम भी लेके जाते हैं वो बोलते हैं हम तुम्हारे साथ हैं हमें हौसला मिलता है पर और वो कैसे करते हैं मुझे नहीं पता पहले मैं ठीक पहले जितना प्रेशर में जितना डिप्रेशन में जितना परेशानी में रहती थी अब मैं नहीं रहती अब मैं आके अभी भी मैं मेरे सामने बहुत सारी चीजें हैं ये समझ लीजिए मेरा यहाँ पे आज आप लोगों के सामने आके बोलना या आज एक एज ए हीरोइन यहाँ पे हूँ मैं ये अगर गॉड नहीं होते तो मैं नहीं हूँ अभी मैं आप लोगों को ये भी बता सकती कि अभी कम टाइम में कि मतलब मेरा अपना पूरी लाइफ पता नहीं चलती अभी तक का बट इतना बताना चाहती हूँ कि जो भी था सब लोग मुझे बोलते हैं कि कल को जा रहे ना तो सभी इंस्पिरेशन तो नहीं तू सब तू अपनी स्टोरी बताएगी ना तो सब लोग तुझसे सीखेंगे तू किसी के हौसला दो ऐसे बोलते हैं तुम्हें आसपास के लोग मैंने बहुत कुछ देखा है इस उम्र में बहुत परेशानी बहुत दुख बहुत कुछ मैं देखे यहाँ तक पहुंची हूँ सिर्फ एक अपने हौसला को लेके अपने पैशन को लेके और एक भरोसा पर पहले मैं गॉड को नहीं मानती थी पर मैं एक स्पिरिचुअलिटी को मानती थी मैं हमेशा चाहती थी अब मेरे पास बहुत सारा एम है मुझे बहुत सारी ऐसी चीजें करनी है दूसरों के लिए जो मैं करना चाहती हूँ बस मैं चाहती हूँ कि गॉड मुझे चलाए बनाए अभी ये सब चीजें लेके मैं चलूँ और वो जरूर करेंगे मेरे लिए सब कुछ पूरा करेंगे और आप लोगों से शायद इसलिए मिली हूँ कि आप लोगों के थ्रू ही मैं कुछ कर पाऊँ और यहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं बहुत सारे लोगों को जॉब भी किया पर आप लोगों के साथ मैं कर रही हूँ इस समय तो उनका कोई इशारा है उन्होंने कुछ प्लान किया है हमारे लिए इसीलिए मैं यहाँ और आज तक जो भी किया है सब अपने इशारों में हुआ है उनके प्लानिंग के मुताबिक ही हुआ है उसके अलावा कुछ नहीं हुआ है और जो भी होगा बेस्ट ही होगा मेरे लिए वो पूरी चीजें मेरे आसपास आने में नहीं होगी तो आप लोगों का सबको मैं शुक्रिया कहना चाहती हूँ कि आप लोगों ने इतना मुझे प्यार दिया ये मोहम्मद के यहाँ पे बोलने का है उन्होंने क्या बोला कैसा बोला बट मैं इतना चाहती हूँ कि गॉड मेरे साथ है सबके साथ है वो हमें कभी परेशानियों में रहने नहीं देंगे हमारा हाथ पकड़ के वो निकालेंगे और हम हमेशा उनके अच्छे और प्यारे बच्चे बनते रहेंगे हमें कभी भी वो दुख में रहने नहीं देंगे बस इतना ही कहना चाहती हूँ और मेरा कुछ ये अगर जो भी मेरी बातें पसंद नहीं आई तो सॉरी आई होप आप लोगों को मेरी गवाही पसंद आएगी